अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अरीद इम्तियाज़ है और मैं बागी महताब से वापस हूँ जी। हमारा खेलो इंडिया हुआ था जो 10 फरवरी से 15 फरवरी तक हुआ था गुलमर्ग में। उसमें मेरे दो मेडल्स आए, एक इंडिविजुअल टारगेट में गोल्ड आया और टीम डिस्टेंस में मेरा सिल्वर आ गया। कितने खिलाड़ियों के साथ आपका मुकाबला हुआ जी? तकरीबन 1300 से ज़्यादा ही पार्टिसिपेंट्स थे वहाँ पे, और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने कोच का, इरफान सर का, जो हमारे लिए टाइम निकालते हैं और यहाँ पे हमें ट्रेनिंग रोज कराते हैं। फिटनेस हर किसी गेम में ज़रूरी है। फिटनेस के बगैर कोई भी प्लेयर किसी गेम में पार्ट नहीं ले सकता है। हर किसी गेम में फिटनेस पहले होती है। कितनी टफ गेम है ये? ये टफ गेम बहुत है। ये समर में भी खेली जाती है, विंटर्स में भी खेली जाती है। अब जो विंटर में है, क्योंकि आपको खुद पता होगा जो हमारा गुलमर्ग है वहाँ कितना, मतलब -15 में हम रात को खेलते थे वहाँ पे। उनके लिए ये मैसेज रहेगी कि अगर वो जो भी ड्रग्स करते हैं, वो अगर ड्रग्स छोड़ के अपना अपनी ज़िंदगी लगाएंगे स्पोर्ट्स में, तो वो आगे चलेंगे, बहुत इसमें आगे बहुत फ़ायदे हैं। मेरा नाम इरफान अजीज़ भुट्टा है और मैं इंडियन आइस स्टॉक फेडरेशन का चीफ कोच हूँ। जैसे आपको पता है, कुछ दिनों पहले रियासत जम्मू और कश्मीर में एक विंटर ओलंपिक गेम्स का इनाकाद हुआ, जिसमें हमारे कश्मीर के बच्चों ने बहुत सराहनीय परफॉर्मेंस दिया। हमारे बच्चों ने 4 गोल्ड लिए, 3 सिल्वर लिए, 3 ब्रॉन्ज लिए और बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लाइंग कलर्स में अपने आप को प्रूव किया। उन्होंने इससे पहले एक स्पेशल कैंप किया था जो इसी ग्राउंड पे हुआ था, एक स्पेशल कैंप हुआ था 100 दिन का, जिसमें बच्चों ने तैयारी करी। उससे पहले उन्होंने नेशनल में पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे उन्होंने नुमाया कारकर्दगी दिखाई और हमारे बच्चे थ्रू आउट इंडिया हर जगह पे जाने के बाद अपनी एक बहुत ही गेम का मुजाहरा दिखा रहे हैं और हर जगह से मेडल टैली में आ रहे हैं। और हम क्योंकि हम ओलंपिक्स में है और ये विंटर ओलंपिक का पार्ट है, तो हम कोशिश करेंगे कि आगे जाके हम विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करें। और अभी रिसेंटली कनाडा कैंप होने वाला है जुलाई में, तो बच्चे उसके लिए काफ़ी हद तक बड़े उत्साहित है, ट्रेनिंग करना चाहते हैं और कनाडा कैंप में अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं।